टेक और फैक्ट के लिए द इन्फो को सब्सक्राइब करें। दुनिया में बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी अपने कामों से हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। उनमें से एक है मशहूर पेंटर लियोनार्डो डा विंची, जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी। लियोनार्डो डा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची शहर में हुआ था और इसी कारण उनके नाम के पीछे विंची लगाया गया है। लियोनार्डो डा विंची इटली की राजशाही के दौरान एक वैज्ञानिक खोजकर्ता व कलाकार के रूप में जाने जाते थे और आज भी वह अपनी प्रतिभा के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। पुरातत्ववेत्ता आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज द्वारा उनको दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। लियोनार्डो डा विंची एक ही बार में एक हाथ से लिख और दूसरे हाथ से पेंटिंग कर सकते थे। मोनालिसा पेंटिंग। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा पेंटिंग को लियोनार्डो डा विंची द्वारा ही बनाया गया था, जो आज भी फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में मौजूद है और इसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से 5,253 करोड़ रुपए यानी 52,53,10,50,000 रुपए है। कहा जाता है कि मोनालिसा पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने से मोनालिसा की स्माइल अलग अलग नजर आती है, मगर यह रहस्य आज तक भी रहस्य ही है। मोनालिसा पेंटिंग रहस्य। लियोनार्डो डा विंची ने इस पेंटिंग को सन 1503 में बनाना शुरू किया था जब वे 51 साल के थे और 2 मई 1519 में विंची पेंटिंग को पूरी किए बिना ही भगवान को प्यारे हो गए। और मोनालिसा को वैसे तो इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है, मगर उसका सही नाम मोनालिसा है। इटली में इसका मतलब होता है माय लेडी। यह भी कहा जाता है कि यह पेंटिंग नेपोलियन बोनापार्ट को बहुत पसंद आ गई थी, जिसके चलते उन्होंने यह पेंटिंग अपने कमरे में लगवा दी थी। सन 1757 में मोनालिसा पेंटिंग को फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में पाया गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह पेंटिंग वह पहुंची कैसे, यह बात आज तक रहस्य। 1951 में एक आदमी ने मोनालिसा की पेंटिंग पर पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के सामने एक स्क्रैच आ गया था। और फिर इस पेंटिंग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्रांस की गवर्नमेंट ने उस पेंटिंग के लिए लूव्र म्यूजियम में एक स्पेशल रूम बनाया है, जिसका टेम्परेचर ऐसा रखा गया है जिससे पेंटिंग को कोई नुकसान न पहुंचे। इस कमरे को बनाने के लिए म्यूजियम ने तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च किए। इस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रखा गया है। 21 अगस्त 1911 को यह पेंटिंग म्यूजियम से चोरी हो गई थी, पर हैरानी की बात यह है कि यह पेंटिंग 10 साल बाद फिर से वहां आ गई थी। 14 दिसंबर 1962 को यह पेंटिंग 100 मिलियन डॉलर की थी और गूगल के सर्च रिजल्ट से पता चलता है कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब 5,253 करोड़ है। वाकई कुछ तो है इस पेंटिंग में, जो उस जमाने में इतनी सारी तकनीक उपलब्ध न होने पर भी लियोनार्डो ने ऐसी पेंटिंग बना डाली जिसकी कीमत के आगे आज की आधुनिक तकनीक की कलाकारी भी घुटने टेकती है। लियोनार्डो डा विंची एक पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी सबसे फेवरेट पेंटिंग मोनालिसा का जिक्र कहीं भी नहीं किया, जिससे आज तक यह बात रहस्य ही बनी हुई है कि आखिर वह औरत है कौन जिसको मोनालिसा पेंटिंग में बनाया गया है। लेकिन माना यह जाता है कि 2005 में एक लेटर मिला था जिसको लियोनार्डो के ही मित्र ने लिखा था और अपनी दूसरी बेटी के जन्मदिन पर लियोनार्डो से अपनी पत्नी जिया कोंडो की पेंटिंग बनाने को कहा गया था, पर जिस वक्त यह पत्र लिखा गया था उस वक्त विंची इस पेंटिंग पर काम कर रहे थे, इसलिए पूरी तरह से यह कह पाना उचित नहीं होगा कि जिया कोंडो की मोनालिसा है। मोनालिसा पेंटिंग 21 इंच चौड़ी व 30 इंच लंबी है। 2004 में एक वैज्ञानिक पास्कल पोटीग ने मोनालिसा की पेंटिंग को स्पेक्ट्रल लाइट्स टेक्नोलॉजी के हाई इंटेंसिटी लाइट्स और मल्टी लेंस कैमरा की मदद से अलग अलग लेयर्स निकाल ली और उसमें उन्हें यह पता चला कि मोनालिसा पेंटिंग बनाने में लियोनार्डो डा विंची ने जो पेंट इस्तेमाल किया था उसकी मोटाई 40 माइक्रोमीटर थी, यानी एक बाल से भी ज्यादा पतली, जिसमें कोयला भी शामिल था। ये बात भले आपको रहस्य ना लगती हो, मगर रहस्य तो यह है कि इस तस्वीर में इतने पतले पेंट का इस्तेमाल करने पर भी यह आज तक यानी 500 सालों से भी ज्यादा सालों तक सुरक्षित है। इस रहस्यमय तस्वीर को बनाने में लियोनार्डो डा विंची ने स्फमाटो तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसमें पेंटिंग में कहीं आउटलाइन नहीं होती, अगर कहीं पर होती भी है तो उनको दो रंगों से मिलाकर सीमलेस बना दिया जाता है। एक रिसर्च से यह भी पता चला है कि मोनालिसा पेंटिंग में विंची ने कुछ शब्द ल रिस्पोस्टा सी ट्रोवा की लिखे थे, जो इटालियन भाषा में थे और हिंदी में इसका मतलब होता है कि उत्तर यहाँ है, द आंसर इज हियर। इस बात से यह पता चलता है कि शायद विंची इस पेंटिंग में छुपे मैसेज को बताना चाहते हो, मगर वे इससे पहले ही ईश्वर को प्यारे हो गए और यहाँ एक रहस्य छोड़ गए।
हाल ही में एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूसिबल ने यह बात बताई कि मोना लिसा की पेंटिंग में एलियन छुपा है। यह बात कितनी सच और कितनी सच इसकी तो अभी पुष्टि नहीं की गई, मगर जब हम मोना लिसा की दो पेंटिंग लेते हैं और दोनों का मुंह बाएं और दाएं करके मिलाते हैं तो बीच में एक एलियन जैसी आकृति बनकर आती है। यह बात तब सोचने पर मजबूर करती है जब यह आकृति वही बनती है जहां पर विंची ने लिखा था कि उत्तर यहां है।